फिल्म में मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ और आपको पता ही होता है कि मुझे सिर्फ मेरे गाने के बारे में पता है। मेरे साथ मेरे हैंडसम हीरो सुशील सिंह जी थे और मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा कोजी होकर आइटम सॉन्ग किया है, तो मुझे सिर्फ मेरा ही पता है। अदरवाइज़ पवन सिंह और अक्षरा जी तो वैसे ही बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो बाकी लोग का भी क्या बोलूँ, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा ऑफकोर्स। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है, ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, तो मैं भी जाऊँगी और देखूँगी क्या है। ये शूट भोपाल में हुआ है और मुझे पर्टिकुलर प्लेस नहीं पता, लेकिन भोपाल में हुआ था और अपने प्रोड्यूसर सर ने मुझे चांस दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि वो भी खुश रहेंगे मेरे परफॉर्मेंस से। हमारे विनोद तिवारी जी सर, देखिएगा तो बताइएगा कैसा है, आप लोग भी बताइएगा कैसा हुआ है परफॉर्मेंस। आइटम सॉन्ग का कभी कोई सिचुएशन नहीं होता, सिर्फ एक ही मूड रहता है, वो भी हॉट। तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन था, बट इतना था कि मैं एंटरटेन कर रही हूँ सुशील सिंह जी को, एंड आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर दिया होगा। हाँ, मैं अभी दोहा कतर गई थी, जो कि हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, भोजपुरी आर्टिस्ट का, कि वो एक बार दोहा कतर जाके आए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार मिला और बहुत मज़ा आया। खासकर खेसारी जी के साथ जो मैंने स्टेज शो किया था, उसके कारण मैं ज़्यादा फेमस हो गई हूँ वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया और मैं दोबारा जाना ज़रूर चाहूँगी। मैंने हिंदी फिल्में भी किया है, आप इंटरव्यू जाके देखिए, मैंने चार से पाँच फिल्में मैंने कर लिया है। लेट्स सी, हम लोग आर्टिस्ट है, जिसका जो कैरेक्टर रहता है उस हिसाब से वो लोग हमको बुलाते हैं। बट अभी रिसेंटली मैंने एज अ लीड रोल भी स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़ी फिल्म करके आई हूँ, और एक मैंने भोजपुरी फिल्म किया है जो कि अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि इस साल रिलीज़ हो जाए, तो आप लोगों के सामने कुछ नया लेके आऊँगी, मेरा एक्टिंग भी आ सकता है सामने आप लोगों के।